सो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सो गाइस, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर में से सबसे अच्छा कौन सा है। अब गाइस देखो, वैसे तो फ्री फायर बैन हो चुका है, बट गाइस अभी भी गेम पूरा मक्खन जैसा चल रहा है। और बाई चांस अगर इन फ्यूचर गेम ना भी चले, तब भी हम लोग फ्री फायर को, फ्री फायर इंडियन ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम का पेज है फ्री फायर का, उधर से हम लोग एपीके डाउनलोड करके खेल सकते हैं, तो कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। या फिर वीपीएन लगा के भी खेल सकते हैं। सो आप लोग ये दुख में तो रहना छोड़ दो कि फ्री फायर बैन हो गया, तो इसी वजह से हम लोग गेम नहीं खेल पाएंगे। और फ्री फायर मैक्स जो बैन नहीं हुआ है, वो तो प्ले स्टोर में भी है। अब देखो, जैसे ही मेरे को ये न्यूज़ पता चला था ना कि फ्री फायर बैन हो गया है, तो गेम तो चल रहा था, पर फिर भी मैंने मतलब प्ले स्टोर से फ्री फायर मैक्स को डाउनलोड किया और खेलना शुरू कर दिया। और अभी भी मतलब दो दिन हो चुका है मैं फ्री फायर मैक्स ही खेल रहा हूँ। जब फ्री फायर मैक्स एकदम स्टार्टिंग में आया था ना, तो मैंने डाउनलोड करके सिर्फ एक गेम ही खेला था, फिर डिलीट कर दिया, फिर मैं नॉर्मल फ्री फायर ही खेलता था। बट गाइस अभी मैं रिसेंटली फ्री फायर मैक्स कुछ दिनों से खेल रहा हूँ, और मुझे जो रिजल्ट मिला है ना, ये टोटली शॉकिंग है। अब मुझे क्या रिजल्ट मिला है, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा और बताऊंगा दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा है, फ्री फायर अच्छा है या फिर फ्री फायर मैक्स अच्छा है। सो देखो, वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस साथ ही साथ ना बेल नोटिफिकेशन भी जरूर से ऑन कर देना। और गाइस अभी चैनल बहुत ज्यादा ही डाउन चल रहा है, तो गाइस हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर देना। सो गाइस चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, जो फर्स्ट एडवांटेज है फ्री फायर मैक्स में, वो है फ्री फायर मैक्स में नॉर्मल फ्री फायर से बहुत ज्यादा ही फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे कि गाइस आप लोग इधर डिस्प्ले में देख लो, इधर ग्राफिक्स में एक एक्स्ट्रा मैक्स करके ऑप्शन दिया गया है। ऊपर से इधर एक और एक ऑप्शन है एफएफ मैक्स बोल के, जो आप लोगों को फ्री फायर नॉर्मल फ्री फायर में आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये एफएफ मैक्स में आप लोगों को एक्स्ट्रा फीचर्स कुछ मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग पीछे देख ही सकते हो, लॉग इन वीडियो, लॉबी स्टाइल, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट एक्सेट्रा, आप लोगों को बहुत सारे ही ऑप्शन मिल जाएंगे इधर। और मुझे फ्री फायर मैक्स में वो नया भागने वाला स्टाइल और जोन में जो लाइटनिंग होता है ना, वो वाला स्टाइल मेरे को उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं लगता है। सो इसी वजह से ही देखो, मैं एनिमेशन क्लासिक करके रखा हूं और विजुअल इफेक्ट मैं ऑफ करके रखा हूं, तो आप लोग ये अपने हिसाब से कर सकते हो। गाइस देखो, जो फर्स्ट एडवांटेज था फ्री फायर मैक्स में, वो तो मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि फ्री फायर मैक्स में आप लोगों को एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेगा। इसके बाद जो मेरे को थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हो रहा है फ्री फायर मैक्स में, वो है कस्टम एचयूडी को लेकर। देखो गाइस, मेरा जो ग्लू वॉल का बटन है, वो गाइस मैं फ्री फायर में एकदम साइड में रखता था, बट गाइस देखो अभी मैं फ्री फायर मैक्स में जो ग्लू वॉल का बटन है, वो मैं एकदम साइड पे कोशिश कर रहा हूँ, बट ये उधर नहीं जा रहा है, थोड़ा सा आगे आ जा रहा है। बट ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हुआ वो मैं आप लोगों को बता दिया। और फ्री फायर मैक्स का जो लॉबी है, वो तो मेरे को कुछ कहता ही नहीं है, कत्ते ही ज्यादा भाई ओपी डेडली लगता है। देखो गाइस, इधर से हम लोग कार का स्किन को चेंज कर सकते हैं, और मतलब काफी ज्यादा ओपी लगता है मेरे को ये लॉबी। आपको ये लॉबी कैसा लगता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और बाय द वे देखो, इधर से हम लोग गन भी चेंज कर सकते हैं। अब गाइस देखो, जो मेन चेंज है फ्री फायर मैक्स में, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो फ्री फायर मैक्स में ना जो कलर सेचुरेशन है, वो बहुत ही ज्यादा ओपी है। मतलब एकदम जो कलर है ना, वो क्लियरली दिखता है गाइस, मतलब लिटरली ऑसम दिखता है। जो बुशेस है, जो स्काई है, वो फ्री फायर मैक्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब उसका कलर सेचुरेशन बहुत ही ज्यादा है। नॉर्मल फ्री फायर थोड़ा सा डल लगता है, पर फ्री फायर मैक्स बहुत ही ज्यादा कलरफुल लगता है, अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो। और फ्री फायर मैक्स का ग्राफिक्स तो आपको पता ही है, नॉर्मल फ्री फायर से थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा है। गाइस अब बात करते हैं ऑडियो स्टाइल को लेके। देखो गाइस, फ्री फायर मैक्स में जो गन साउंड है, व्हीकल साउंड है, जो रनिंग साउंड है ना, ये टोटली अलग है। और देखो, मैं इतना दिनों से तो फ्री फायर खेल रहा था, बट गाइस अभी मैं फ्री फायर मैक्स खेल रहा हूं ना, तो मेरे को ये साउंड बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है, अलग लग रहा है। और बाकी अगर आप लोग ये नया साउंड नहीं चाहते, तो आप लोग सेटिंग में जाके ऑफ भी कर सकते हो, वैसे मैंने तो ऑन किया हुआ है और मेरे को अच्छा ही लग रहा है। इसके बाद बात करते हैं गाइस स्मूथनेस के ऊपर, कि फ्री फायर मैक्स में ज्यादा स्मूथनेस है या फिर नॉर्मल फ्री फायर में ज्यादा स्मूथनेस है। देखो गाइस, फ्री फायर मैक्स में ना थोड़ा सा ज्यादा स्मूथनेस है, गेम बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलता है। और गाइस फ्री फायर मैक्स का जो स्टेबिलिटी है, वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है, और स्टेबिलिटी अच्छा है, इसी वजह से पिंग इशू भी नहीं होता है। और इसके बाद बात करते हैं इन गेम सेंसिटिविटी की। देखो गाइस, फ्री फायर मैक्स का जो इन गेम सेंसिटिविटी है, वो नॉर्मल फ्री फायर से काफी ज्यादा है। अब गाइस देखो, मैं नॉर्मल फ्री फायर ही खेलता था, बट गाइस कुछ दिनों से मैं फ्री फायर मैक्स खेल रहा हूं ना, तो मेरे को ये और भी ज्यादा पता चल रहा है। मतलब हेडशॉट भी काफी ज्यादा इजीली चलता है, और गेम का जो सेंसिटिविटी है, वो भी काफी ज्यादा ही अच्छा है। और फ्री फायर मैक्स में एज कम्पेयर टू फ्री फायर, बहुत ही ज्यादा कम ग्लिचेस है, वो विंडो वाला ग्लिच कुछ नहीं है, ऊपर से फेक डैमेज भी नहीं होता है फ्री फायर मैक्स में। सो ये तो मेरे को काफी ज्यादा ही अच्छा लगा। और गाइस देखो, मैंने एक चीज नोटिस किया है ना फ्री फायर मैक्स में, जो फ्री फायर मैक्स में जो मैच मेकिंग है ना, वो नॉर्मल फ्री फायर से थोड़ा ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा ही ज्यादा है, जल्दी मैच मेकिंग लग जाता है। वैसे फ्री फायर में भी लग जाता है, पर फ्री फायर मैक्स में थोड़ा जल्दी लग जाता है। अब गाइस देखो, मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि इतना सारा एडवांटेज फ्री फायर मैक्स में होने के बाद भी, क्या सच में आप लोगों को फ्री फायर मैक्स ही खेलना है या फिर नॉर्मल फ्री फायर ही ठीक है। बट गाइस, उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और
और गाइस साथ ही साथ ना बेल नोटिफिकेशन भी जरूर से ऑन कर देना। और गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और गाइस अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो गाइस आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद जरूर से गाइस मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना गाइस। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं कि कॉन्क्लूशन के ऊपर कि कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है, नॉर्मल फ्री फायर सबसे ज्यादा अच्छा है या फिर फ्री फायर मैक्स अच्छा है। सो गाइस देखो फ्री फायर मैक्स नॉर्मल फ्री फायर से ग्राफिक्स में अच्छा है, सेंसिटिविटी में अच्छा है, स्मूथनेस में अच्छा है। सो एज यूजुअल फ्री फायर मैक्स नॉर्मल फ्री फायर से थोड़ा ज्यादा बेटर है। और अभी मेरे को बहुत जन कमेंट करेंगे कि अभिरूप भाई मेरा तो कम जीबी फोन है तो मेरा फ्री फायर मैक्स नहीं चलेगा। देखो गाइस अगर आपका 3-4 GB फोन है तब भी फ्री फायर मैक्स चल जाता है। यार मेरे कुछ दोस्तों का 3-4 GB फोन है, वो लोग भी फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और उन लोग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर आपका 2 GB फोन है तो तब आप लोग नॉर्मल फ्री फायर खेल सकते हो और बाकी ये आपके ऊपर है। यार दोनों गेम ही अच्छा है, आप लोग जो इच्छा खेल सकते हो। और आप लोग क्या फ्री फायर मैक्स खेलोगे या फिर नॉर्मल फ्री फायर खेलोगे मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और आप लोग को इन फ्यूचर क्या क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और गाइस प्लीज इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ प्लीज शेयर कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना। और गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। सो गाइस चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।